तो इस सामने यहाँ पर है सहनशाह जिन्नात, ये देखो बड़ी शांति यहाँ, तो डर लग रहा है मुझे, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है काफ़ी। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तब हम आते हैं तो बड़ी से बड़ी कोई भी इच्छा हो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है बड़ी। तो भाई यहाँ के बारे में मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, 2-3 लोगों से बात करी, तो सब कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जिन वगैरह का साया रहता है। तो ये आप देख रहे हो कोटला फिरोज़ शाह का किला। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं फिरोज़ शाह कोटला के किले में। तो यहाँ के बारे में सारी मैं अपडेट दे देता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर व्यू सब कुछ देखते हैं, यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है तुम्हारा दिल्ली गेट। दिल्ली गेट जो है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। दूसरे लॉकडाउन के बाद फिरोज़ शाह कोटला का जो ये किला है खुल चुका है। उसके अलावा बात करें टिकट की, तो टिकट होगी भाई ऑनलाइन, टिकट ऑनलाइन है। और भाई जो आप ये यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो इसको स्कैन कर लो, टिकट घर से ही बुक करके आओ। यहाँ पे भाई 1 घंटे से ऊपर मुझे टाइम हो गया टिकट करते करते, तब जाके टिकट हो पाई। तो भाई बड़ी मुश्किल से टिकट हुई, तो आप स्कैन कर लो, घर से ही टिकट बुक कर लो, टिकट रहेगी वैलिड 1 दिन के लिए, ठीक है। मान लो आज आपने टिकट बुक करी है तो पूरे आज के दिन में, आज के पूरे दिन में वैलिड रहेगी टिकट। कल आप आओगे तो वही टिकट काम नहीं करेगी। जो टिकट के लिए आपको आपके आइडेंटिटी चाहिए वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आइडेंटिटी चल जाएगा। एक आइडेंटिटी से आप 6 लोगों की टिकट बुक कर सकते हो। टिकट प्राइस है 20 रुपये पर पर्सन, एक बंदे के 20 रुपये हैं टिकट के। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से भाई बहुत ही पास है, बस 5 मिनट का रास्ता है। एक बार ये वाली क्लिप देखो। तो भाई यहाँ पे सामने था आपका दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, और ये रहा आपका फिरोज़ा कोटला फोर्ट। इधर 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर ही सामने दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, बस 5 मिनट का रास्ता है यहाँ तक आने का। तो देखा आपने मतलब कितना पास है दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से, थोड़ा सा ही पास है, 5 मिनट में आ जाओगे। तो ऑटो वाले को 10-20 रुपये दे के पैसे बर्बाद मत करना, चल कर आ जाना, 5-10 मिनट लगेंगे आपको बस। उसी के अलावा बता दो भाई, अगर आपको भी कोई डाउट है, मैंने टिकट बता दी 20 रुपये पर पर्सन है, टिकट ऑनलाइन होगी, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट है, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया। पर टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग है इसकी सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक, और शुक्रवार और वीरवार को बंद रहता है। थर्सडे फ्राइडे शुक्रवार वीरवार को ये रहता है बंद, बाकी रोज़ खुलता है, ठीक है। टाइमिंग है सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक। तो कम्प्लीटली अब डिटेल में बता चुका हूँ आपको, अब यहाँ घूम लेते हैं, यहाँ के बारे में जान लेते हैं, जो यहाँ के बारे में बातें हैं कि भाई यहाँ जिनों का साया रहता है, जिन वगैरह भूत प्रेतों का साया वगैरह रहता है, सारी बातें जान लेते हैं अब। और ये कुछ यहाँ का अंदर का व्यू काफ़ी सुंदर है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पर। ठंडक के टाइम पे आप आते हो, मान लो विंटर में या फिर शाम के टाइम में आते हो, काफ़ी बढ़िया लगेगा यहाँ पे, चाहे बैठ जाओ, ठीक है, पेड़ों के नीचे बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा हो यार, छाँव में आते इतना अच्छा लग रहा है, बस क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया लग रहा है छाँव में आते ही। और जगहों के कंपैरिजन में यहाँ पे लोग कम आते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो लोग कम आते हैं और जगह के कंपैरिजन में, फिर भी यहाँ पे मतलब घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है आपको, अगर शांति में रहना है कि मैं शांति से बैठ पाऊँ मैं, तो भाई ये अच्छी जगह है आपके लिए। उसी के अलावा एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पर खाना पीने अंदर अलाउड नहीं है, ट्राइपॉड वगैरह माइक वगैरह सब मेरा बाहर रखवा लिया, मैं नॉर्मल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी इस तरह की चीज़ अलाउड नहीं है। खाना पीना अभी एक भाई जा रहे थे, बोले मैं बाहर से खाना लेके आ जाता हूँ, यहाँ बैठ के खा लूँगा, यहाँ गार्डन टाइप में जो बना हुआ है जगह है खाली, यहाँ बैठ के खा लूँगा, तो उन्होंने बोल दिया खाना पीना अलाउड नहीं है यहाँ पर। आप 3 मंजिल की इमारत सी देख रहे होगे, देखो 1 मंजिल ये वाली, फिर ये, फिर ये, ठीक है, 3 मंजिल की इमारत सी देख रहे होगे, इसको बनवाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने, उसके ऊपर ये अशोक स्तंभ के लिए लगा हुआ है, ये अशोक स्तंभ इसको स्थापित करने के लिए ये बनवाया गया था, इतना ये इतने कोई जो है ना इतनी प्लेस को बनवाया गया सिर्फ उसको स्थापित करने के लिए, इसके ऊपर अशोक स्तंभ को। वैसे तो जो अशोक स्तंभ है इसकी स्थापना मौर्य समाज के ही जो अशोका थे उन्होंने करवाई थी, उनका नाम ही अशोक था और अशोक स्तंभ ये है, तो उन्होंने करवाई थी मेनली, तो इसकी स्थापना बाद में नाम पड़ गया था उसका, फिरोज़ शाह तुगलक ने मतलब अपना टैग लगवा दिया फिर बाद में। और भाई यहीं से पढ़ के मैं बता रहा था, देखो यहाँ से एक बार हम पढ़ ले, थोड़ा सा मेन और पढ़ लेते, पत्थर के इस स्तंभ की ऊंचाई है 13 मीटर का, ये
जो ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, जिसका व्यास ऊपरी भाग में 65 सेंटीमीटर और निचले भाग में 97 सेंटीमीटर है। फिरोज शाह के आदेश पर इसे काफ़ी प्रयासों के बाद दिल्ली लाकर यहाँ पुनः स्थापित किया गया था। ये जो स्तंभ है ये पहले था अंबाला के अंदर टोपरा नाम की कोई जगह, यहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, अंबाला के अंदर टोपरा नाम की कोई जगह थी, वहाँ पर मतलब ये अशोक स्तंभ था जिसको जो फिरोज शाह थे उन्होंने मतलब यहाँ पे स्थापित करा उसको फिर बाद में लाकर। तो भाई जितना मुझे सुटेबल लगा मैंने आपको यहाँ के बारे में, इस स्तंभ के बारे में अपडेट दे दी। उसके अलावा यहाँ पे आके अगर आप घूमोगे तो आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, मैं ज़्यादा अगर बताऊँ आपको तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप ही फिर बोलोगे भाई कितनी बड़ी वीडियो बनाता है यार। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो ये है जामी मस्जिद, जामी मस्जिद है ये, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 1354 में। आइए यहाँ पर भी चलते हैं और देखते हैं। तो भाई ऊपर मस्जिद है ना, तो मस्जिद के यहीं पर ही साइड में आप कुछ इस तरह से देखोगे, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी अपनी विश लिख दोगे ना तो पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है किसी ने पेजेस में, तो ऐसे चारों तरफ पेज मिलेंगे आपको, देखो अंदर वहाँ पड़े हुए पेजेस, तो आप कोई भी इस पे विश लिख देते हो अपनी तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा मान्यता है यहाँ पर। तो भाई यहाँ के बारे में मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, 2-3 लोगों से बात करी, अलग अलग लोगों से, मतलब एक थे मान लो 40 से 45 के एज ग्रुप में होंगे, एक होंगे 60 से 65 के एज ग्रुप में, ठीक है, मतलब लिमिट में मैं काफ़ी लोगों से बात कर ली, 3-4 लोगों से, तो सब कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जिन वगैरह का साया रहता है। मानने वाली बात है, अगर आप मान रहे हो तो सच में है, और नहीं मान रहे हो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं घुमा देता हूँ एक बार, जिस एरिया में मैं इस समय चल रहा हूँ यहाँ पर ही पूरा जिनों का इलाका ही है, और मुझे चलते में भी काफ़ी डर लग रहा है, खैर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये सारी प्लेसेस मतलब ये जो है ना गेट लगे हुए हैं ये कोरोना के चक्कर में बंद कर दिए, वरना ये खुले रहते हैं, और ये आप अंदर जो देख रहे हो ना पूरा जिनों का इलाका है, यहाँ सारे में भूत रहते हैं, जिन रहते हैं चप्पे चप्पे में, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अगर मैं शांत हो जाऊँ ना तो आप भी महसूस करोगे, हवा को अलग ही महसूस कर पाओगे, आप एक डर सा महसूस कर पाओगे, सच में बता रहा हूँ। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तब हम आते हैं तो बड़ी से बड़ी कोई भी इच्छा हो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है, बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, घुटने टेकते हैं और सर झुकाते हैं अपना, और बड़ी से बड़ी इच्छाएं यहाँ पे सारी उनकी पूरी होती है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से, ये सब मैं लोगों से ही बात करके बता रहा हूँ, वो वीडियो में नहीं आ रहे, बोल रहे हम वीडियो में तो नहीं आना चाह रहे बट बता दे रहे हैं आपको। तो भाई उन्होंने बताया कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी इच्छाएँ आपकी होंगी पूरी होती है, और पूरे में जिनका साया, वैसे बोला मेनली यहाँ पर है जिनका साया, मतलब लोगों से कह रहा हूँ मैं, ये धप्पा ही लगा रहा है इस चीज़ के ऊपर, मानने वाली बात है वैसे तो, बाकी यहाँ पे बता रहे चप्पे चप्पे में वैसे तो यहाँ जिन होते हैं, बट फिर भी जो मेन है वो यही है, जैसे मैं यहाँ पीछे बता रहा हूँ लॉ के जो ये जगह यहाँ पे मेन है, बाकी तो सारे में। तो इस सामने यहाँ पर है सहनशाह जिन्नाद, ये देखो बड़ी शांति, यहाँ तो डर लग रहा है मुझे, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है काफ़ी, अंदर बिल्कुल अंधेरा सा है, दिखाऊँ मैं जूम करके, ये देखो ये है सहनशाह जिन्नाद, मतलब शायद जिन के राजा। यहाँ पे सारे में लोगों ने अपनी इच्छाएं बांधी हुई हैं, क्या क्या लोगों की इच्छाएं हैं। उसी के अलावा वहाँ पे धूप बत्ती वगैरह ये सब चीज़ें चढ़ाई हुई हैं, माला धूप बत्ती फूल वगैरह। तो वैसे शूज़ रिमूव कर दिए हैं, फ़िलहाल ऊपर चलते हैं मस्जिद में। कीप आउटसाइड योर शूज, तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो मस्जिद में ऊपर का इलाका यहाँ पे ऊपर का ऐसा है कुछ, पूरी तरफ खुला एक स्पेस है, चार ओर देख सकते हो आप स्पेस यहाँ पे ढेर सारा, और सामने ही है वहाँ पर स्टेडियम, ये जितना मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिरोज कोट लाही स्टेडियम है ये। भाई साहब नीचे का नज़ारा तो क्या लग रहा है भाई, गार्डन बनाया हुआ है बहुत बढ़िया, सामने वो स्टेडियम है वैसे, अब नीचे का नज़ारा देखो यहाँ से एक बार, देख रहे हो कितना मस्त बनाया हुआ है भाई, वैसे ही मेरे को लग रहा है आउटसाइड है ये इसके, वो अलग चीज़ है, हाँ उसका गेट वगैरह उस साइड है आई थिंक, पता नहीं इसमें शामिल है या नहीं, लोग तो कोई दिख नहीं रहे बैठे हुए,
तो यहाँ पर आके लोग अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है अगरबत्ती ना जलाएं, फूल ना चढ़ाएं। यहाँ पे भी आके लोग अपनी इच्छा मांगते हैं। मतलब ये जो प्लेस है पूरा मुस्लिम वर्शिपर्स के लिए है स्पेशली, तो यहाँ पे आके मतलब नमाज़ वगैरह अदा करते हैं शायद, मुझे नॉलेज नहीं है भाई वो, आप कमेंट करके बताना अगर आपको मालूम हो कि यहाँ पर क्या किया जाता है, इतना बड़ा स्पेस है क्यों है ये, कमेंट करके मुझे बताना। तो भाई यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो यही है जो मैंने आपको घुमा दिया यहाँ पे, जिन के बारे में जो प्लेस था वो ये था। यहाँ पर जिन का पूरा साया रहता है, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ अपडेट दी, मेन अट्रैक्शन यहाँ का यही है। ठीक है, तो मस्जिद के यहीं पर ही भाई एक होल टाइप में बना हुआ है जो अंदर तक जा रहा है, बिल्कुल सुरंग की तरह बंद पड़ा हुआ है। तो भाई वहाँ पे मस्जिद थी और इस साइड यहाँ पर है ये बावली, तो बावली भी बंद पड़ी हुई है, फिर भी एक बार बाहर से एक बार व्यू कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ बावली के। तो भाई ये रही सामने बावली, भाई कुआ है काफ़ी गहरा, डरावना लग रहा है देखने में बाहर से ही। ये देखो अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, गहरा कुआ है भाई। दिल्ली के अंदर ढेर सारी बावलियाँ हैं, ठीक है बावली बहुत सारी है दिल्ली में, बट यहाँ की जो बावलियाँ ना उसकी खास बात है, इस बावली से क्या होता है जो भी इसमें अंदर पानी है ना पूरे जितने भी बगीचे वगैरह है सारे में पानी सप्लाई होता है इस बावली के थ्रू, बस एक जगह पे स्टोर नहीं रहता, सारे में सप्लाई भी होता है पूरे गार्डन में। भैया पूरा खंडर सा ही बना हुआ है देखो यहाँ पे, सामने जो आप एक प्लेस देख रहे हो ना दीवार टाइप में, ये यहाँ पर लोग काफ़ी दुआ मांगते हैं, यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह चिरागी वगैरह ये सब चीज़ें जला जला के मतलब काला पड़ गया ये, जो कि मना है यहाँ पर धूपबत्ती वगैरह चढ़ाना, दुआ मांगते हैं लोग यहाँ। ये पूरा खंडर है महल का जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, एंट्री के सामने ही है वैसे वाली जगह, खंडर है जगह। यहाँ पे सुरंग सुरंग सी बनी हुई है कोनों कोनों में, वहाँ पे मैं नहीं जा रहा। बाकी यहीं पर मैं जा रहा था तो सिक्योरिटी गाइड ने मना कर दिया है कि यहाँ पर अलाउड नहीं है जाना, खंडर इलाका है वो पूरा, वहाँ पे खंडर है पीछे, तो वो बैठने सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने मना करा है वहाँ पे खंडर है वहाँ मत जाओ। तो भाई यहाँ पर के बारे में मैंने सब कुछ आपको घुमा दिया, एक बार मैं बता दूँ क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको दुआ मांगनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि मस्जिद है, ठीक है। उसके अलावा आपको विश हो तो भाई, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जो कि वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, उन लोगों ने कहा बड़ी से बड़ी विश पूरी होती है, कैसी भी विश आप मांगो पूरी होती है यहाँ पर आकर, ठीक है बस वो चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए। उसी के अलावा भाई अगर आपको हॉरर चीज़ें पसंद है, हॉरर जगहों पे जाना पसंद है, तो भाई पूरा ये एरिया भूतों से भरा पड़ा है, ठीक है बहुत बातें यहाँ के बारे में, यहाँ पर जिन का साया रहता है, जिन होते हैं यहाँ पर, तो भाई तीनों ही चीज़ अगर आपको पसंद है तो आप आ सकते हो यहाँ पर, तीनों में से एक भी चीज़ पसंद तो भी आ सकते हो। भाई अगर पूरी वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हो और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं, दिल्ली की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो हमारे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, दिल्ली की सारी अपडेट आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट मिलती है हमारे चैनल पर, ठीक है। कोई भी प्लेसेस आपको जाने हो, कपल प्लेस, फैमिली प्लेस, एडवेंचर आइलैंड वगैरह कुछ भी, सब कुछ मिलता है हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, कुछ डाउट तो पूछ सकते हो। तो भाई सब कुछ मैंने यहाँ पे जो भी घूमने लायक बताने लायक था मैंने बता दिया जितना हो पाया मुझसे, ठीक है। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो भाई अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई यही था आज के इस व्लॉग में, व्लॉग को कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं इस व्लॉग का, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत धूप हो रही है देख सकते हो आप, ऊपर देखो वहाँ पे हद से ज़्यादा धूप हो रही है भाई, सब हालत ख़राब हो रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर ही लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए आप सबना, जय हिंद, वंदे मातरम।